भाई कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज जो मैंने साड़ी पहनी है, जो ड्रेप करके आपको दिखाई है, वो ब्रासो की साड़ी है। बॉर्डर है जो आपने देखा, ये इस तरह का बॉर्डर है। अंदर जो कपड़ा है वो ब्रासो का है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको फ्री पल्ले में साड़ी ड्रेप करके दिखाऊंगी। हर कोई पहनता है, ऐसी बात नहीं, सबको पहनना आता है, पर कुछ बातें ऐसी जो आपको ध्यान रखना होती हैं। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको एक दो छोटी छोटी ऐसी बातें जो मैं बताऊं, जिससे आप अपनी साड़ी फ्री पल्ले में साड़ी पहनते हो तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो इसलिए मैंने कोशिश की है। अगर आपको मेरी थोड़ा सा भी साड़ी पहनने का स्टाइल अच्छा लगा हो या आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो गाइस यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ मेरी साड़ी कैसी है। इसका पूरा जो लुक है वो आप देखो, ये अंदर से ब्रासो है और एक बॉर्डर है, ब्लैक कलर की साड़ी है। तो ये मेरी कुछ इस तरह की साड़ी है जो आज मैं ड्रेप करने वाली हूँ। और यहाँ मुझे करना है बेसिक टक। बेसिक टक आप सबको आता है, ये आपको अच्छे से बेसिक टक कर लेना है। बेसिक टक करने के बाद आपको क्या, अपने मार्जिन के हिसाब से अपना पल्ला जितना आपको रखना है, जहाँ तक बॉर्डर है वहाँ तक टक करके, और थोड़ा इसको अपना डाल के आपको देख लेना कितनी आपको लेंथ रखनी है। जितनी आपको इसकी लंबाई रखनी है अपने पल्ले की, उतना आपको देख लेना है। उसके बाद का जो मेरा बचा हुआ फैब्रिक है, अब मैं उसकी प्लेटें डालूंगी। यहाँ आपको अपना प्लेटे का मार्जिन वही है आपके ब्लाउज की, जो पहली टक आएगी उसी से नाप के आपको वहीं से प्लेटे स्टार्ट कर देनी है। जो लास्ट वाली प्लेट होती है उसको आपको छोड़ देना है, क्योंकि अगर आप वो वाली प्लेट इस टाइम नहीं छोड़ोगे तो आपके पल्ले में दिक्कत आएगी, क्योंकि उसको बाद में हमें खींच के टक करना है। अगर आप फ्री पल्ले की साड़ी पहन रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो लास्ट की प्लेट है उसको छोड़ने के बाद लास्ट में आपको अच्छे से टक करना है। यहाँ मैंने अपनी सारी प्लेटें फिनिशिंग कर ली है, आप अच्छे से करके इनको अंदर सिक्योर कर लीजिए। अब जो मैंने लास्ट वाली प्लेट छोड़ी थी वो आपको दिखाई दे रही होगी। अब ये मुझे पीछे से हाथ से खींचना है, नीचे से जो हमारी प्लेट है उनके नीचे आएगा। ये वाली लास्ट वाली प्लेट आपको इतना खींच के रखना है कि जो आप पल्ला लोगे तो उसमें जो एक कोना बड़ा हो जाता है वो आपकी दिक्कत नहीं आएगी। और इसको आपने अंदर से खींच के टक करके अंदर डाल देना, और फिर बाद में अपनी फिनिशिंग के साथ सारी प्लेटें एक जगह कर लेनी है। अब यहाँ आपको क्या करना, अपनी जो प्लेटें हैं उन्हें सिक्योर करना है। वो मैं जैसे पहले करती हूँ, हमेशा बाहर की साइड से टक करती हूँ, क्योंकि जो फैब्रिक हमने अंदर डाला है हमें वो टक करना है, उसकी वजह से प्लेटें नहीं निकलेंगी। और यहाँ आपको अपना पल्ला, ये देखो मेरा पल्ला इक्वल है, एक कोना बड़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट वाली जो प्लेट थी वो खींच के अंदर टक की है, उसी की वजह से। फ्री पल्ले में आपको इस चीज़ का ही ध्यान रखना है। तो ये मेरा, अब इसको आपको अच्छे से जैसे आप अपना, जिस तरीके से आप अपनी रखना चाहते हो साड़ी फ्री पल्ले में, वैसे रख लेना। ये मैंने आपको दिखाया, मेरी पूरी फिनिशिंग के साथ मैंने साड़ी बांध ली है। अभी आपको जो बॉर्डर है उसे हाथ पे रख, क्योंकि इस तरह से नहीं कोई लोग संभाल पाते। तो आपको क्या करना, अपने हाथ पे से जो बॉर्डर है उसके साथ प्लेटें बनाते हुए अपने कोने की साइड में आपको एकदम पकड़ लेना है। तो मेरा कुछ इस तरह से ये पूरा लुक आएगा। यहीं पे आप देखोगे, मैं इसके साथ, अगर आप लोग ऐसे कंफर्टेबल नहीं हैं तो आपको क्या करना है वो मैं भी आपको बताती हूँ। तो आपको अपना जो बॉर्डर है, क्योंकि कुछ लोग फ्री पल्ले में कंफर्टेबल नहीं रहते, उनको नहीं अच्छा लगता, तो आपको एक बॉर्डर उठाना है अपना, और जो ऊपर वाला बॉर्डर है उसके साथ में ले जाके टक कर देना है। इस तरह आपका फ्री पल्ले का भी लुक रहेगा और आपकी साड़ी भी आप कम्फर्टेबल रहोगे, थोड़ा अलग लुक लगेगा। तो आप इस तरह भी इस साड़ी को इस तरह से भी मतलब कैरी कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और बताइएगा ज़रूर कि मेरा इस तरह का साड़ी का लुक आपको कैसा लगा। तो इस तरह की साड़ी भी बहुत लोग पहनते हैं, बहुत अच्छी लगती है, आप ऐसे भी साड़ी को वेयर कर सकते हो।